बिलासपुर में उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के विपरीत एनएच चंडीगढ़ मनाली सहित अन्य क्षेत्रों में पशुपालन विभाग द्वारा टैग किए गए बेसहारा गौवंश को छोड़ा जा रहा है। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश केवल सड़कों के किनारे सैकड़ों के हिसाब से जगह जगह पर झुंडों में देखे जा सकते हैं। समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश वाहनों के हादसे का शिकार होते हैं और कई दफा उनकी मौत भी हो जाती है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर पालतू पशुओं का पंजीकरण अथवा टैगिंग करवाना अनिवार्य किया है। पशुओं की टैगिंग पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है और इसका रिकॉर्ड पंचायत स्तर पर दर्ज किया जाता है। इस कार्य को सही ढंग से संचालन करने के लिए पंचायती राज NHAI लोक निर्माण विभाग व पशुपालन विभाग का साझा जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन चकाचौंध व्यवस्था होने के बावजूद फिर भी टैग किए बेसहारा पशु सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये टैग किए हुए बेसहारा पशु कहां से आए हैं और कैसे इनका आंकड़ा बढ़ रहा है, इस बारे में लोग चिंतित हैं। लेकिन इस मुद्दे पर ना तो संबंधित विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन और सरकार। इस संबंध में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर लाल गोपाल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग पशुओं की टैगिंग करता है व घायल व बीमार पशुओं का उपचार करता है, लेकिन इसका रिकॉर्ड पंचायतों द्वारा रखा जाता है। बिलासपुर की प्रगति समाज सेवा समिति के अध्यक्ष व पशु प्रेमी सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानून इतने अधिक लचीले हैं कि सरकार को चाहिए कि इन कानूनों को सख्त बनाए। हिमाचल प्रदेश में कोई गौवंश की समस्या नहीं है, ये एक कुरीति का रूप ले चुकी है। देखिए, इस कुरीति में सरकार का और प्रशासन का बराबरी का योगदान है उन स्वार्थी लोगों के साथ में जो सड़कों पर अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ते हैं। देखिए, पंजीकृत गौवंश आज सड़कों के ऊपर भरमार लगी हुई है। जब पंजीकृत गौवंश जब सड़कों पर छूट रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि स्वार्थी लोगों के साथ में सरकार और प्रशासन मिले हुए हैं, चाहे वो बोर्ड के लिए है, चाहे अपने संबंधों के लिए है। वर्तमान में आप देखिए, घायल पशु सड़कों के किनारे महामारी का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया जबकि खर्च किया जा चुका है, लेकिन वो करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद सड़कों पर रजिस्ट्रेड पशु जब सड़कों पर हम देखते हैं तो हमें सरकार की मंशा में ऐसा लगता है कि सरकार अपना कोई स्वार्थ तय कर रही है। सरकार धन कमाने की तरफ चली हुई है, गौशालाओं पर गौशालाएं बनाते जा रहे हैं, स्वार्थी लोग सड़कों पर छोड़ते जा रहे हैं। इन दोनों का ऐसा सामंजस्य बना हुआ है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हमें नजर आता है। सरकार को हम सीधी सी चुनौती देते हैं कि देखिए, अगर आप पंजीकृत पशु सड़कों पर से नहीं उठाकर उनके मालिकों के पास नहीं भेजते हैं तो हम आए दिन बहुत ही जल्दी पंजीकृत गाय बैलों को सड़कों के चौराहों पर बांधना शुरू करेंगे और आपकी जो संविधान है उसको भी साथ में रखेंगे कि संविधान में जो कानून इनको राइट्स दिए गए हैं उनके ऊपर आप कितना दायित्व निभा पा रहे हैं। बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि उन्होंने इस समस्या पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है, लेकिन टैगिंग वाले बेसहारा पशुओं का मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में पंचायत सचिवों को फिर से सर्वे करने को कहा जाएगा। उनका प्रयास रहेगा कि स्ट्रीट डॉग व गायों की समस्या का समाधान हो सके। आपने मामला ध्यान में लाया, इस बारे में मैं ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर से और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे मीटिंग कर चुका हूं, और जो आपने आज संज्ञान में लाया ये मामला मेरे ध्यान में है। इसमें दो तरह के केसेस हैं, एक केसेस तो ऐसे हैं जिसमें टैगिंग हुई है और वो लोगों ने उनको रोड पे छोड़ दिया, दूसरे कुछ ऐसे हमारे स्ट्रे कैटल हैं जिनमें उन्होंने टैग को निकाल दिया। तो मैंने 23 को इसके लिए मीटिंग रखी है जिसमें मैं एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर उनको भी बुला रहा हूँ, और जो जैसे उन्होंने बताया कि टैगिंग इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है और जो उसका रिकॉर्ड है वो पंचायत मेंटेन करती है। तो जैसे आपने ध्यान में लाया, जिन जिन लोगों ने स्ट्रे कैटल को रोड पे छोड़ा होगा उनके अगेंस्ट हम जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वो करेंगे। और दूसरा, हम एक और मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें PWD है, चाहे पंचायत है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है और कंसर्न SDMs हैं, ताकि इस जो इस तरह की जो प्रवृत्ति है इसको किस तरह हम रोक पाएं, ताकि जो कैटल हैं वो रोड पे ना आए और उनको इंजर्ड ना हो और उनका ध्यान रखा जाए। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान का कहना है कि ये मामला गंभीर है, वे इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाएंगी तथा प्रदेश सरकार को भी इस मुद्दे के समक्ष उठाया जाएगा। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लावारिश पशु हमारे रोड पे घूम रहे हैं तो और उनके कानों पे जो टैग लगे हैं वो हमारी सरकार ने जो है फायदे के लिए ही लगाए हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की गलती है जो कि लावारिश पशुओं को रोड पे इस तरीके से छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं प्रशासन को भी और जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वेटनरी हो गया जैसे, और अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मजबूती से इसके बारे में बात करूंगी और उन्हें अवगत करूंगी ताकि एक टीम इस तरीके की गठित की जाए जो कि उन पे चेक रखे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हों।